तो हेलो गाइज, वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अपूर्व के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, जिसके स्टार कास्ट में हमें राजपाल यादव, अभिषेक बनर्जी और तारा सुतारिया देखने को मिलेंगी। तो बिना आपका ज्यादा टाइम लेते हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, इस ट्रेलर से हमें फिल्म की कहानी का थोड़ा बहुत प्लॉट तो पता चल ही जाता है, जैसे कि तारा सुतारिया जो होती है उनका इस फिल्म में नाम अपूर्व होने वाला है और उनको प्यार हो जाता है एक लड़के से जिसका नाम है सिद्धार्थ, और उनकी एंगेजमेंट भी जल्दी होने वाली होती है। बट एक्सीडेंटली क्या होता है कि तारा सुतारिया जो होती है वो सिद्धार्थ को एक सरप्राइज देने का सोच ही रही होती है कि वो किडनैप कर ली जाती है एक गैंग ऑफ क्रिमिनल्स के द्वारा। और मे भी फिल्म की कहानी ये हो सकती है कि जो किडनैपर्स हैं वो अपूर्व को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दें, जो कि वो करेंगे ही। और उधर जो उसका बॉयफ्रेंड है सिद्धार्थ, वो अपूर्व को ढूंढने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ पुलिस। और इसी के अराउंड ये पूरी फिल्म घूमने वाली है, जिसमें हमें दो चार ट्विस्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। अपूर्व का जो कैरेक्टर है वो ट्रेलर में काफी ज्यादा फियर्स और डिटरमाइन लग रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि तारा सुतारिया एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। बस उनको एक सही सा स्क्रिप्ट और अच्छा मौका मिलना चाहिए ताकि वो खुद को प्रूव कर सके। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने तारा सुतारिया को बहुत हल्के में लेके रखा था एंड उनकी वही सब मूवीज को देखा था जिसमें हमें लव सब देखने को मिले। बट इस बार की जो मूवी है वो एक थ्रिलर सर्वाइवल मूवी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जो लिखा है मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। इफ फिट्स हैड ए नेम इट वुड बी अपूर्व, ए फाइट फॉर सर्वाइवल लाइक नो अदर वॉच दिस वाइल्ड एंड ग्रेटेस्ट टेल ओनली ऑन एट द रेट डिज्नी प्लस हॉटस्टार फ्रॉम November 15। #अपूर्व ऑन हॉटस्टार। तारा सुतारिया की मैंने सिर्फ मरजाओ मूवी देखी है और उसमें जो उनका परफॉर्मेंस था वो ठीक ठाक ही लगा, मतलब कि फिल्म के अकॉर्डिंग उनका जो परफॉर्मेंस था मूवी में वो सही था। बट इस बार की जो मूवी है अपूर्व, इसमें इनका जो परफॉर्मेंस है उसे देखकर आप दंग रह जाओगे, क्योंकि इस बार जो तारा सुतारिया है उन्होंने अपने कैरेक्टर अपूर्व के साथ जस्टिस किया है। एंड ट्रेलर जब आप देखोगे तो आप भी एक्साइटेड हो जाओगे और सोचने पर मजबूर भी हो जाओगे कि आखिरकार अपूर्व इन गुंडों के बीच से कैसे बचेगी या फिर बच भी पाएगी या नहीं। गैर इस फिल्म से आप उम्मीदें इसलिए भी लगा सकते हो क्योंकि इसमें एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर राजपाल यादव भी हैं, और अक्सर आपने राजपाल यादव को कॉमेडी करते हुए देखा होगा बहुत सी मूवीज में, लेकिन इस बार का जो कैरेक्टर है इनका इस मूवी में वो एक नेगेटिव रोल का है। और क्या राजपाल यादव अपने नेगेटिव रोल को जस्टिस दे पाएंगे या नहीं, वो तो आपको इसके रिलीज डेट के बाद ही पता चलेगा। बट मैं आपको बता दूं कि ट्रेलर में मैंने इनका कैरेक्टर को देखा, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। और गैज, राजपाल यादव का साथ निभाने के लिए उन्हीं के जैसे एक टैलेंटेड एक्टर जिनका नाम अभिषेक बनर्जी है वो भी साथ में रहेंगे, और उनका भी इस मूवी में एक विलन का रोल है। और जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी के बारे में नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि अभिषेक बनर्जी जो है वो अपनी इंडस्ट्री के एक बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर है, जिनको आपने काफ़ी सारी मूवी जैसे कि स्त्री, ड्रीम गर्ल और भेड़िया जैसी मूवीज में एज अ साइड एक्टर देखा होगा। बट अब बारी आती है मेन लीड की, तो इन्होंने हाईवे मूवी में काम किया है जिसमें इन्होंने एक साइको किलर का रोल निभाया था, जिसे कि आप देखते रह जाओगे। फिल्म का नाम मैं फिर से बोल देता हूँ, हाईवे। बट अब बारी आती है अपूर्व की, तो इस मूवी में भी ये अपने एक्टिंग से आपको सरप्राइज करने वाले हैं, 100% गारंटी मैं देता हूँ। तो गाइज, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं निखिल नागेश भट्ट, वो हम सब ऑडियंस के लिए कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड रिस्क भी ले रहे हैं। जैसे कि अगर आप राजपाल यादव को देखोगे तो उनको तो हमने कॉमेडी करते हुए देखा है, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल जो है वो थोड़ा हटके है। बात की जाए तारा सुतारिया की, तो उनका भी रोल वो जो रोल करती थी उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो वो गाइज, दिल से अच्छा लगता है जब डायरेक्टर ऑडियंस को समझते हैं और ऑडियंस के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आते हैं, रिस्क लेना भी जानते हैं, तो ऐसे में मैं भी सपोर्ट करता हूँ। बाकी फिल्म की बात रही तो आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँ भाई। और ट्रेलर की बात जहाँ तक रही तो ट्रेलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड आपको भी ज़रूर आएगा अगर आप देखोगे। तो गाइज, इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो है 15 नवंबर, यानी कि 15 नवंबर से इस फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाओगे। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। जिस नंबर को कॉल किया है वो बंद है।